राजस्थान अपडेट। नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं राजस्थान अपडेट। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। राजस्थान ब्राह्मण सेवा परिषद गौ व समाज प्रकोष्ठ की ओर से एडवोकेट संजीव ने बताया कि स्वामी कृष्णानंद सभागार भवन गड्डी जोधपुर में 51 महिला अधिकारी का सम्मान परशुराम रत्न प्रदान कर किया गया। राजस्थान ब्राह्मण सेवा परिषद और समाज सेवा प्रकोष्ठ की तरफ से आज महिला अधिवक्ता सम्मान समारोह किया जा रखा गया। जोधपुर के अंदर जितने भी महिला अधिवक्ता है उनका न्याय जगत और समाज क्षेत्र की तरफ जो विशेष उनको सम्मानित किया गया है और जो है महिला एम्पावरमेंट किस तरह से आगे बढ़ाया जाए इसके बारे में भी संगोष्ठी के अंदर विचार किया गया। आज के चीफ गेस्ट जो है वो ऑनरेबल चेयरमैन ह्यूमन राइट्स कमेटी रहे महेश साहब एडिशनल सेक्रेटरी और हम लोग के अंदर जो है गेस्ट ऑफ ऑनर रहे और कानून की विभिन्न बारीकियों पर आज परिचर्चा हुई और उसके अलावा जो 33% महिलाओं का जो रिजर्वेशन का आ रहा है उसमें न्याय जगत की और जो महिलाओं की न्यायाधीश बनने की और जिस साइड में ज्यादा सुरक्षित होने के बारे में भी कानून के कई पहलुओं को छुआ गया और महिलाओं ने इसमें बच्चे को भाग लिया था और आज का प्रोग्राम बड़ा कामयाब रहा और ये इस समय तीसरा प्रोग्राम यहाँ के लिए संजीव व्यास के दौरान गड्डी के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया है। ऐसे लेनी चाहिए जिससे महिलाओं का ध्यान कैसे हो केवल मात्र कानून से महिलाओं का कामकाजी हैं जो पढ़े लिखे हैं और जो कुछ करना भी चाहती है उसके लिए आप लोग इस कार्यक्रम पर आज के मुद्दों पर परिचर्चा की गई और आज की ये संगोष्ठी बड़ी कामयाब रही है। ऐसी कार्यक्रम सम्मान समारोह होने चाहिए जिससे महिला एम्पावरमेंट की घोषणा की आज तक के अंदर होगी और महिला किस डिफिकल्टी के साथ से काम को अंजाम देती है इसका उदाहरण आज मैं आज भाई संजीव जोशी ईशा गौरव को बधाई देना चाहता हूँ। ऐसे आयोजन को